ज्वाली के साथ रखते गांव, चननी के उमरदीम की बेटी जिसकी उम्र 16 साल है, उसे उसी के पड़ोसी में वहां से भगाया है। ये लड़की कपड़े धोने के लिए गई थी जिसके बाद वह लापता है। जिस व्यक्ति ने इस नाबालिग लड़की को अगवा किया है उसका नाम भी अमरदीन है और वह बसों की खरीद फरोख्त करता है। 28 जनवरी के दिन ये लड़की अपने घर से लापता हो गई थी जिसके बाद माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन आज दिन तक इसका कोई पता नहीं लग पाया है। बल्कि माँ बाप का ये भी कहना है कि जिस आरोपी व्यक्ति ने उनकी लड़की को अगवा किया है उसके घर वाले उन्हें पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे हैं। वहीं देर रात को लड़की के घर वालों के घर पर पत्थर भी फेंके जाते हैं जिससे ये लोग सहमे हुए हैं। आज SP कार्यालय में आकर जी मेरे लड़के गुम हो गई, ये गल लड़के उठाए के ले गए, कहां आए मैं, कौन ले गया अमरदीन, कब हुआ था ये, 28 तारीख को। तो पुलिस में आपने मामला दर्ज कराया? हां जी। फिर क्या पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया, एक दो बार गए था, फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस आए गए, फिर बोलते यहां जाना लग गया, यहां करा दे कानूनी कार्रवाई, तो आज तक कुछ भी नहीं किया। कितने दिन हो गए? 28 तारीख ये गई है जी, आज 1.5 महीना है, जनवरी की 2। हां जी। हूँ सांझ धमकियां देंदे कि तो हाँ पैसे ले लिया, हाड़ी नाबालक लड़की 1 साल की बच्ची है उन्होंने सह ले लिया, कने फैसले कर लिया, अहाँ बोले सांझ अपनी लड़की चाहिए अहाँ थोड़े नहीं लैनी, कने ना जरूरी है, बोलते तो एक ही लड़की है क्या रो दे, थोड़ियाँ हाले और भी उठानी है, बोले चुकी के ले जानी है। उन्हें बोलिया कि मिल जानी, मैं हूँ रेड कर गया तो उन्होंने ज्वाले वाले की फोन करी था, बोलता मैं तुरंत तोप के दूंगा, जेड़ा उदा चाचा है मुंडे का, कने उदा प्यो सब बोल दे कि 2 लाख रुपये ले लिया, फैसला कर लिया, नहीं करना तो फिर पहले तो एक ही रो दे, हाँ और भी चुकने न, कर राती जाते जी पत्थर मार दे, धमकियां दें दे, गाल गलोचा दें दे, फिर बोलते तो हाँ दिखी लिया, तो हाँ क्या करना है, यहाँ तो पुलिस वाले खरीद दो ना, अहाँ तो नोटा कने ने खरीद दो, जी पशुएं की खुंड लाए के बन्ने रख दे, ज्वाले वाले अहाँ धीए ने बन्नी के रखियो, सह लड़की का लड़के का जेड़ा प्यो कने चाचा है सह कने भरा बोलदा। हाँ जी 1 महीना हो गया जी, 28 तारीख तो चलिया था, अज तो हाँ लगाई ले हिसाब कि 5 तारीख हो गया अज। हाँ जी। लड़की के माता पिता ने SP संतोष पटियाल के सामने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को तलाश किया जाए। वहीं संतोष पटियाल ने भी आश्वासन देते हुए मौके पर SIT टीम का गठन कर दिया है। संतोष पटियाल का कहना है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इन माँ बाप की बेटी को ढूंढकर इनके सपोर्ट किया जाएगा और आरोपी को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। ये पुलिस स्टेशन ज्वाली का केस है जिसमें एक माइनर बच्ची जो है उसको एक आदमी शादी के इंटेंशन से किडनैप करके ले गया है, उसमें ऑलरेडी रेलेवेंट सेक्शंस में जो केस रजिस्टर है इसमें इससे पहले भी पुलिस की टीम जो थी वो दिल्ली तक जाके इसके रेड कर चुकी है, तो कुछ इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की स्पीड पे सेटिस्फेक्शन जाहिर नहीं की है कि इतने दिन हो गए बच्चा नहीं मिला है, उसमें इसमें स्पेशल ऑर्डर कर दिए गए हैं SIT बनाने के, और जो DSP ज्वाली हैं वो पर्सनली इसको सुपरवाइज करेंगे और यहाँ से भी केस मॉनिटर होगा, और जो इनपुट्स इन लोगों ने दी है और जो बाकी चीज़ें हैं उसके बेस पे जल्दी ही इस बच्चे को जो हम लोग ट्रेस कर लेंगे। सर क्या माजरा क्या है सारा? सर ये जो उमरदीन है इसका लड़की का प्यो है, इसका नाम भी उमरदीन है, और जो लड़की को उठा के ले गया वो लड़का उसका नाम भी उमरदीन है, और 28 तारीख को उस लड़की को किडनैप किया था, उसने उठाया था उस गाड़ी में NC में, वो लेके NC खप्पर नाला में लगा के भाग चुका है। हमने उसके दूसरे दिन ही FIR करवाई थी ज्वाली में, और आज तक जो है उसका कोई भी सुराग हमें नहीं मिला है। उसका परिवार, उसके बाकी के जो घर वाले हैं वो बार बार तंग करते हैं, इनको आके डराते हैं, धमकाते हैं, आप पैसा ले लो, आप लड़की छोटी लड़की ले लो बदले में, लेकिन बार बार इनको जो है डरा धमका के इनसे जो है फैसले की मांग कर रहे हैं। इसका जो भाई है उमरदीन का भाई मसरदीन, वो कहता है कि पुलिस मैंने खरीदी हुई है और पुलिस मेरे इशारों पे नाचती है। SP साहब से मिले, SP साहब ने क्या आपको? SP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम SIT का गठन कर रहे हैं और 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो है लड़की तलाश करके देंगे, और हमें हमारी लड़की मिलनी चाहिए।